हेलो व्यूअर्स, इमरान मोटिव टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं इमरान। इस वीडियो में हमने रेडमी नोट 7 जो कि शुआमी की तरफ से है, रेडमी नोट 7 इसी का रवि रेड जो कलर है उसी को अनबॉक्सिंग करने के लिए यहां पे लेके आया हूं। यहां पे कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 660 का प्रोसेसर, आपको 6.3 इंचेस का आपको HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले, फुल HD प्लस, 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 4000 मिली एम्पियर का बैटरी रेडमी नोट 7 में आपको मिलता है। इसका जो आपको वेरिएंट मिलता है 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी जिसका प्राइस है 12,000, और एक वेरिएंट है जहाँ पे आपको 3GB रैम एंड 32GB इंटरनल मेमोरी उसका प्राइस है 10,000। यहाँ पे ऊपर की तरफ एक सेक्शन बाकी आपका फ़ोन और नीचे आपको चार्जर मिल जाता है। यह फ़ोन पीछे की तरफ ग्लास है और जो इसमें टाइप सी का भी ऑप्शन है। यहाँ पे जो चार्जर दिया गया है वो आपका है 2 एम्पियर का बेसिक सा एक एडेप्टर दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट चार्ज नहीं होगा, स्लोली चार्ज करेगा फ़ोन को, यानी आपको 2.5-3 घंटे तक लग जाएगा फुल चार्ज होने में। यहाँ पे फ़ोन को देख सकते हो, पीछे की तरफ को डुअल रियर कैमरा फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और फ़ोन जो है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, रवि रेड कलर। और मुझे स्पेशली और गर्ल्स को तो डेफिनेटली जो रेड कलर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ोन को, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना कि आपको रेड कलर अच्छा लगता है कि नहीं, और ये जो रेडमी नोट 7 का रवि रेड है ये आपको कैसा लगा। फिज़िकल ओवरव्यू नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पे टाइप सी वाला चार्जिंग पॉइंट दिया गया है और बाकी यहाँ पे आपको सिम स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, यानी 2 नैनो सिम एंड माइक्रो SD कार्ड नहीं यूज़ कर सकते हो। अगर सिंगल नैनो सिम यूज़ करोगे तो माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हो। बाकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन खास है और मुझे लगता है अगर आप ये फ़ोन लेने के बारे में सोच रहे हो 12,000 पे करके 4GB रैम एंड 64GB इंटरनल मेमोरी, तो आपको एक्स्ट्रा 2,000 पे करके आपको रेडमी नोट 7 प्रो ले लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है। दोनों फ़ोन्स की अगर कुछ प्रॉब्लम्स की बात करें तो इसी फ़ोन में भी हीटिंग का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा, नोट 7 प्रो में भी हीटिंग का प्रॉब्लम है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये रेड एडिशन भी।